एक बार जोरदार भारत माता का सब लोग मिलके जयकारा लगाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दूर दूर से इतनी भारी संख्या में मैं देख रहा हूं, बहुत दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक भाई बहन सब लोग आए हुए हैं। दूर दूर से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, चुनाव आ रहे हैं, 2 महीने बाद चुनाव है, सारी पार्टियां आएंगी, सारे नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, वो इसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा। हम छोटे लोग हैं, हम आम लोग हैं, हमको गाली गलौज करनी नहीं आती, हमको नेतागिरी करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती। आज जो बातें मैं आपसे करूंगा, सीधी सीधी आपके घर की बात करूंगा, आपके परिवार की बात करूंगा, आपके फायदे की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं, ये हवा में नहीं कर रहा, दिल्ली में ये सारी चीजें लागू करके आए हैं, पंजाब में ये सारी बातें लागू करके आए हैं। एक कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, पंजाब में, फोन करके पूछ लेना, केजरीवाल आया था, भगवंत मान आया था, ये बातें बोल रहे थे, दिल्ली में करी क्या, पंजाब में करी क्या। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार दिल्ली और पंजाब वाले कहें कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, भगवंत मान अच्छा काम कर रहा है, तो ही वोट देना, वरना वोट मत देना उन लोगों को। दिल्ली में भी पहले 2 ही पार्टियां थी, दोनों में अच्छी सेटिंग थी, एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करें, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटें। फिर जनता के बीच में एक नई पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। लोगों ने देखा, अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, जनता ने देखा ये लड़के ईमानदार लगते हैं, जुझारू लगते हैं, जिद्दी तो हैं पर देशभक्त लगते हैं, तो जनता ने हमको एक मौका दे दिया। 2015 में एक मौका दिया, 8 साल हो गए, 3 बार जनता ने चुनाव जिताए हैं, 3 बार। एक बार 67 सीट दे, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को। तो भाई साहब, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, जो जनता बार 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 इतना प्यार दे रही है, इतना विश्वास कर रही है। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, इतना काम करा, तो बात फैलते 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 पंजाब पहुंच गई। पंजाब और दिल्ली में लोगों का आपस में आना जाना लगा रहता है, तो पंजाब के लोगों को पता चला कि दिल्ली के लोग बड़े खुशहाल हो गए, दिल्ली में चारों तरफ खुशहाली है, लोग बड़े खुश हैं, महंगाई बहुत कम है। तो पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी, 92, और बीजेपी को 2 सीट दे दी, 117 में से 2 सीट बीजेपी को। वहां भी पहले 2 पार्टियां होती थी पंजाब में,
एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, जनता परेशान थी। मध्य प्रदेश में भी दो पार्टियां हैं, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी इन दोनों पार्टियों उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। आज मैं आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। पहले पार्टियां आती थी, कहती थी ये हमारा मैनिफेस्टो है, चुनावी घोषणा पत्र है। कोई नहीं पढ़ता चुनावी घोषणा पत्र, जो पार्टी के नेता आके स्टेज पे खड़े होकर लागू करते थे वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें लिखा क्या है। फिर कहने लगे हमारा संकल्प पत्र है, फिर कहने लगे हमारा फलाना पत्र है, ढिमका पत्र है। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, गारंटी। गारंटी का मतलब अगर माल पसंद नहीं आए तो वापस कर जाना माल, अगली बार वोट मत देना हम लोगों को। और आजकल इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मैं देख रहा हूं दूसरी पार्टी वाले भी कहते हैं गारंटी गारंटी गारंटी, वो नकली माल है। असली माल कौन सा है? केजरीवाल की गारंटी। असली गारंटी है केजरीवाल की गारंटी, बाकी सारी गारंटी झूठी है, बाकी सारी पार्टियों की गारंटी झूठी है। केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है, केजरीवाल झूठ नहीं बोलता। हम लोग जो बोलते हैं अपना वादा पूरा करते हैं। तो सबसे पहली गारंटी, बिजली आती है कि नहीं आती? पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, तो पहली गारंटी एक साल के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी 2015 में सरकार बनी थी, उसके पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर बिकने बंद हो गए, इन्वर्टर बिकने बंद हो गए। पंजाब में मान साहब की सरकार बनने के पहले, 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के गांव गांव में 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। 1.5 साल हुआ है बस, आज पंजाब में 24 घंटे बिजली आ रही है, बिजली की कोई कमी नहीं है। गांव गांव के अंदर 24 घंटे की बिजली आ रही है, किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, एक साल के अंदर आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, किसी गांव में पावर कट नहीं लगेगा। करना आता है, करके आया हूं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, पंजाब में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, मध्य प्रदेश में भी कर देंगे। दूसरी बात, बिजली महंगी है कि नहीं है? मेरे को अभी लोग बता रहे थे इतने ज्यादा बिजली के बिल आते हैं, इतने ज्यादा बिजली के बिल आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? गलत तो नहीं कह रहा मैं? छोटा सा कमरा, एक बल्ब, एक पंखा, एक टीवी, किसी का 10,000 रुपए का बिल, किसी का 20,000 रुपए का बिल। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। किस किस को फ्री बिजली चाहिए हाथ खड़े कर दो जरा से। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी, गारंटी देके जा रहा हूं। करना आता है। ये लोग कहेंगे केजरीवाल झूठ बोलता है, पैसे कहां से आएंगे, सरकारी खजाना लूट जाएगा। उनको बोल देना दिल्ली में करके आया है केजरीवाल, पंजाब में करके आया केजरीवाल, केजरीवाल को करना आता है। तो 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आ गए। किसी का 30,000 का भेज देते हैं बिजली विभाग वाले, किसी का 50,000 का भेज देते हैं, गलत बिल बना के भेज देते हैं। फिर इनके चक्कर काटते रहो,
इनके पास जाते हो कहते हैं 5,000 रुपए रख तब ठीक करूंगा, कहते कि नहीं कहते, गलत तो नहीं कह रहा, लूट मचा रखी है, रिश्वतखोरी मचा रखी है इन्होंने। 31 अक्टूबर तक के जितने पुराने बिजली के बिल हैं जिस जिसके, सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। पिछली साल 16 मार्च को पंजाब में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल थे, जिस जिस के बिजली के बिल थे, सारे बिजली के बिल, पुराने बिल माफ। ये लोग झूठा बिल बना के भेजते हैं, 50,000 का, 60,000 का, 1,00,000 रुपए का बिल बना के भेज देते हैं, आदमी कैसे भरेगा? फिर कहते हैं बिल भरो नहीं तो बिजली काटेंगे, बिजली काट के चले जाते हैं, बिना बिजली के कोई कैसे रहेगा? फिर आदमी तार डाल के बिजली चोरी करने के लिए मजबूर होता है। आपके पुराने सारे बिल माफ कर देंगे, नए बिल आने बंद हो जाएंगे, आपकी जितने लोगों के ऊपर चोरी के झूठे केस चल रहे हैं, सारे कनेक्शन 1 नंबर के कनेक्शन हो जाएंगे। मंजूर है? होना चाहिए। ये मेरी पहली गारंटी, बिजली की गारंटी। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके सबके बच्चे मेरे बच्चे, जैसे मैं अपने बच्चों को पालता हूं, आपके बच्चों को भी वैसे शिक्षा दूंगा। जितनी अच्छी शिक्षा, जितनी अच्छे स्कूलों में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आपके बच्चों को भी ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। यहां पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल में बहुत लोग पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का अच्छा हाल है, बुरा हाल है? बुरा हाल है। दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आप में से दिल्ली आ जाए, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में चला जाए, भाई साहब मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों से शानदार दिल्ली के सरकारी स्कूल कर दिए हम लोगों ने। दिल्ली के रिक्शे वाले, मजदूर, किसान, प्लंबर, बिजली विभाग, इतने सबके, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, पैसे नहीं है, अब उनके सबके बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है एक ही डेस्क पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, 4,00,000 बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं, दिल्ली के अंदर एक ही शिक्षा मिलती है। आपके बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, सारे सरकारी स्कूल अच्छे बना देंगे। और मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल ऐसे बना देंगे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराना शुरू कर देंगे दोस्त। और पूरी शिक्षा माफ होगी, सब कुछ माफ होगा, शिक्षा फ्री होगी। दूसरा, बहुत सारे कच्चे टीचर हैं, वो कच्चे टीचर बेचारे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। जैसा अभी मान साहब ने बताया, पंजाब में अभी 12,500 कच्चे टीचर पक्के किए हैं। जितने कच्चे टीचर हैं मध्य प्रदेश में, सारे टीचरों को सम्मान दिया जाएगा, सारे टीचरों को पक्का किया जाएगा। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली में भी ऐसे करते थे, पंजाब में भी ऐसे करते थे। पिछले 8 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के भी प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करेंगे, खबरदार अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला गलत तरीके से फीस बढ़ाएगा तो। तो ये है मेरी दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। तीसरी गारंटी, इलाज की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। अपने घर में कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी अस्पताल में नहीं लेके जाता, प्राइवेट में लेके जाते हैं और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था, आपके घर में कोई बीमार होगा, आपका बच्चा, आपकी मां, आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी बहन,
हर एक का इलाज कराने की, पूरा इलाज कराने की, फ्री में इलाज कराने की गारंटी मेरी है। जितने कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं हम लोगों ने, वहां सारा इलाज मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है। जितने सरकारी अस्पताल थे दिल्ली में, सारे सरकारी अस्पतालों को एयर कंडीशन कर दिया, शानदार बना दिया सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट से भी अच्छा कर दिया। अब अगर आपको बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, वो भी मुफ्त है, और अगर बड़ी बीमारी हो गई, 30 लाख 40 लाख रुपए का खर्चा है, वो भी सारा मुफ्त है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और आपके लिए शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो आप चिंता मत करना, उसका सारा इलाज का खर्च, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन, सब तरह का खर्चा जो है वो सरकार देगी, आपको किसी तरह का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तीसरी गारंटी। चौथी गारंटी, इतना पैसा कहां से आएगा? आप पूछोगे केजरीवाल तो कुछ भी बोलता जा रहा है, बिजली भी मुफ्त, स्कूल भी बनाएंगे, शिक्षा भी मुफ्त, दवाई भी मुफ्त, अस्पताल भी बनाएंगे। भाई साहब, पैसे की कमी नहीं है, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार बंद किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, इतना पैसा बचने लग गया, इतना पैसा बचने लग गया, कोई अंत ही नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, पुराने मंत्रियों ने इतनी चोरी कर रखी थी, भगवंत मान ने उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, रेड मारी, उनके घर से नोट गिनने की मशीनें निकली हैं पुराने वाले मंत्रियों के घरों से। भाई साहब, इन्हीं को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, इन्हीं के घर से इतना पैसा निकलेगा, आपकी बिजली भी मुफ्त हो जाएगी, शिक्षा भी मुफ्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाएगा, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे, सारा पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। ईमानदार पार्टी है हमारी, ईमानदार लोग हैं हम, देशभक्त लोग हैं हम। और दूसरी चीज, आप अपना काम कराने जाते हो नहीं जाते सरकारी दफ्तर में? पैसे मांगते नहीं मांगते? रिश्वत मांगते नहीं मांगते? चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, जमीन के कागज बनवाने हो। दिल्ली में हमने एक व्यवस्था कर दी, हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया, 1076। आप उस नंबर पे फोन करो, वहां से आवाज आती है, आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है आप बताओ, आपको क्या काम। कोई कहेगा मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए, कोई कहेगा राशन कार्ड बनवाना है, कोई कहेगा पानी का कनेक्शन चाहिए। उधर से आवाज आती है, हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए? आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाती है। आपको दलालों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हमारी सरकार आएगी तो। ये मेरी चौथी गारंटी। पांचवी, अभी मान साहब ने पूछा कौन कौन बेरोजगार है, सबके हाथ खड़े हो गए दोस्तों। हमारे इतने बच्चे, इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मामा जी को कोई परवाह नहीं है इनको रोजगार देने के लिए। दोस्तों, दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। भगवंत मान ने 36,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी अभी तक, कोई रिश्वतखोरी नहीं, कोई सिफारिश नहीं। सोशल मीडिया पे देखो, पंजाब के गांव गांव के अंदर लोग ढोलक बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? उनके गांव में बिना सिफारिश के किसी को नौकरी मिल गई, उनके गांव में बिना रिश्वत के किसी को नौकरी मिल गई। यहां मिलती है बिना सिफारिश के नौकरी? यहां मिलती है बिना रिश्वत के नौकरी? अब मिलेगी, अब मिलेगी, बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हर बेरोजगार के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे,
और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। छठी गारंटी, मैं अपने दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए भेजता हूं, सब कुछ मुफ्त उनको, अयोध्या जी, रामेश्वरम, पुरी, शिरडी बाबा, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां उनका मन करता है वहीं उनको तीर्थ यात्रा। दिल्ली के 75,000 बुजुर्गों को मैं अभी तक तीर्थ यात्रा करा चुका। एसी ट्रेन से जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आना जाना खाना पीना सब फ्री। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को भी उनकी मनमर्जी से तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जहां वो कहेंगे वहां तीर्थ यात्रा करा के लेके आएंगे। तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य होता है, सबको पुण्य मिलता है। अगर बुजुर्ग खुश होंगे तो मध्य प्रदेश तरक्की करेगा, मध्य प्रदेश विकास करेगा। सातवीं गारंटी, दिल्ली में और पंजाब में अगर दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी काम करते हुए शहीद होता है, पंजाब पुलिस का कोई कर्मचारी काम करते हुए शहीद होता है, अपनी जिंदगी देता है, या दिल्ली या पंजाब का रहने वाला कोई भी व्यक्ति सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार बनी, उसके पहले सरकार सैनिक की विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। ये तो एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात है। हमने पॉलिसी बदली, अब मैं खुद जाके, मुख्यमंत्री, जो भी सैनिक शहीद होता है मैं उनके घर जाता हूं, मान साहब उनके घर जाते हैं और अपने हाथ से उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आते हैं। मध्य प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आठवीं गारंटी, जितने कच्चे कर्मचारी हैं, वो भी मैंने सुना मध्य प्रदेश में बेचारे जगह जगह धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। पंजाब में 28,000 कच्चे कर्मचारियों को अभी तक पक्का कर चुके हैं हम लोग, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद की जाएगी। नौवीं गारंटी, मेरे जितने आदिवासी भाई हैं, आज 75 साल हो गए आजादी को, 75 साल में सबको कुछ कुछ मिल गया, आदिवासियों को कुछ नहीं मिला, आदिवासी पिछड़े रह गए, आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। क्यों? जितने आदिवासी इलाके हैं सब में कहीं पे लोहा मिलता है, कहीं पे खनिज पदार्थ, कहीं पे कुछ, और इन सारे नेताओं की गंदी नजर उसके ऊपर रहती है, कैसे छीन ले इनकी जमीन, कैसे छीन ले इनके साधन। पैसा कानून कहता है कि उसके ऊपर आदिवासियों का अधिकार है, जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ जो आदिवासी इलाके के अंदर है उसकी ओनरशिप, उसका मालिकाना हक आदिवासियों का है। पैसा कानून लागू किया जाएगा। आज तक कितने साल हो गए किसी सरकार ने पैसा कानून लागू नहीं किया, क्योंकि इनकी नीयत खराब थी। पैसा कानून लागू किया जाएगा और ग्राम सभाओं को सारे अधिकार दिए जाएंगे। और दसवीं गारंटी, मेरे बहुत सारे किसान भाई आए हैं, आज अगर आपकी फसल बर्बाद होती है, सबसे ज्यादा मुआवजा दिल्ली और पंजाब की सरकारें देती हैं। आपकी फसल अगर बर्बाद होगी, आपको उचित मुआवजा, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा और आपको आपकी फसलों के पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। आज एक किसान को, बेचारे को अपनी मेहनत का पूरा हक नहीं मिलता, आपको आपकी फसल के पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। आप में से जवान फिल्म देखी है किसी ने? सुना तो सबने होगा, सुना है कि नहीं सुना? उसमें शाहरुख खान का डायलॉग है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, शाहरुख खान क्या कहता है, ये वोट मांगने आएंगी पार्टियां, ये नेता वोट मांगने आएंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे,
जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म और जाति के नाम पे वोट मत देना। उनसे पूछना कि आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, अगर मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए क्या करोगे। कहता है कि नहीं कहता शाहरुख खान? आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करती है। आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपके लोगों के इलाज का बात करती है। पिछले 75 साल में मैं चैलेंज पिछले 75 साल में एक पार्टी नहीं आई जिसने कहा मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक पार्टी नहीं आई जिसने कहा मैं आपके लिए अस्पताल बना दूंगा, मेरे को वोट दे दो। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है स्कूल बनाने की, ऐसे इनकी नीयत खराब है। अगर यही लोग स्कूल अस्पताल बना देते तो मेरे को आम आदमी पार्टी क्यों चालू करनी पड़ती? हमें क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी बनाने की? ये कभी आपके बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे, ये कभी आपके परिवार के लिए काम नहीं करेंगे, ये केवल आपको दारू और पैसे से वोट खरीदेंगे आपका। आज एक ही पार्टी है जो आपके लिए काम करती है। अभी देश की सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलके, 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलके एक गठबंधन बनाया है। क्या नाम है उस गठबंधन का? क्या नाम है? जोर से बोलो, इंडिया। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए इंडिया का नाम सुन के, इतने बौखला गई बीजेपी, पागल हो गई बीजेपी। बोले अब भारत का नाम बदलेंगे, भारत का नाम इंडिया नहीं रहेगा। इतनी गंदी गंदी गालियां देने लग गई है इंडिया को। कोई कहती है ये इंडिया मुजाहिदीन है, इंडिया ये, इंडिया वो, नक्सल फलाना, इंडिया को गाली देने लग गए ये लोग। ये लोग भारत से प्यार नहीं करते, ये लोग देश से प्यार नहीं करते, ये लोग इंडिया से प्यार नहीं करते, सत्ता से प्यार करते हैं। कल अगर सत्ता के लिए इनको देश बेचना पड़ा, ये देश भी बेच के खा जाएंगे ये लोग। हमने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हैं इंडिया नाम बदलेंगे। कल अगली बार हम अपना नाम भारत रख लेंगे तो भारत भी नाम बदलोगे? कैसी पार्टी है ये? ये तो गद्दारी है देश के साथ। आप इंडिया हमारा है, इंडिया हमारे दिल में बसता है। आई लव माय इंडिया। भारत हमारे दिल में बसता है। बसता है कि नहीं बसता है? भारत माता की, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में, पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे, हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, अरे जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है।
इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में, जितना पैसा तुम चोरी करोगे उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारे जुमले का रखे। वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली, गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए, वन नेशन वन इलाज। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आज आप इतनी भारी संख्या में आए, मेरे को भी बता रहे थे मध्य प्रदेश के गांव गांव से हजारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। क्यों? हमारी ईमानदार पार्टी है, हमारी देशभक्त पार्टी है, हम देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। हमें नेतागिरी करनी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम आप ही के जैसे बच्चे हैं, आप ही के जैसे आम लोग हैं। एक बार सारी जनता इकट्ठी हो गई, इन नेताओं की राजनीति खत्म कर देंगे हम सारे जने मिलकर। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी साहब। सभी से निवेदन है कि अभी सभी लोग रुकेंगे, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है वो पत्थर की लकीर